मुझे अभी तक वो याद है कि जिस तरह से करुणानिधि की उन दिनों रैलीज होती थी, यंग थे उन दिनों तो बहुत, और कोई 100 मोटरसाइकिल पहले आती थी, एकदम हट्टे कट्टे उनके सपोर्टर, और उसमें जो रोर होता था मोटरसाइकिल का, उसके बाद करुणानिधि की गाड़ी आती थी। आज तक का एक्सपीरियंस देखते मैंने कहा अब ये हिंदी में हम लोग CNBC आवाज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए नहीं होगा। CNBC आवाज़ से जो बिजनेस न्यूज़ की मार्केट थी इंडिया में, एक ही साल में 4 गुना हो गई। फिर उसके बाद CNN, IBN और IBN 7, जी ये कहना चाहिए, वो फेज भी आपने वो बनाया। जी वो एक एक, एक, एक न्यूज़ का ही वो और ज़्यादा कंटेंट कहना चाहिए कि उसमें पॉलिटिकल सोशल चीज़ आई। वो हमने देखा कि एक जब बिजनेस में एकदम मार्केट लीडरशिप हमारी हो गई और बिल्कुल डोमिनेंट थे हम लोग और आवाज़ भी सक्सेसफुल हो गया, तब लगा कि अब जो रियल सक्सेस उनको मिलेगा जो नेटवर्क कर पाएंगे। और उसके 2 कारण थे। एक, हम लोगों की उन दिनों कैरिज फी बहुत ज़्यादा होती थी, केबल चैनल हमसे बहुत पैसा लेता था कैरी करने के लिए, और दूसरा हमको कंज्यूमर से हम पैसा ले नहीं सकते थे क्योंकि वो जो पैसा देता था वो सिर्फ एंटरटेनमेंट वालों को मिलता था। तो हमने कहा कि अगर हम अपना नेटवर्क बनाएंगे, एक चैनल या 2 चैनल के बजाय हम 7-8 बनेंगे, तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारी कम होंगी। एक, हमारा बार्गेनिंग पावर केबल ऑपरेटर से बढ़ जाएगा, और एक, हमारा बार्गेनिंग पावर कंज्यूमर से बढ़ जाएगा कि अब हमारे को, आप हमको 1 चैनल का 1 रुपया नहीं देते लेकिन हमारे को 7 चैनल के 2 रुपये तो दे दीजिए, तो दिस समथिंग वी कुड टॉक टू द कंज्यूमर। सो आई थिंक उसका इट वॉज अ फॉलो आउट ऑफ दैट कि हम लोगों ने CNN IBN में करा। फिर राजदीप के साथ बात शुरू हुई क्योंकि टेलीविजन में एक हैवी वेट न्यूज़ पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है। क्योंकि अखबार में तो आप एडिटर को देखते नहीं हो, यहाँ पे आप एडिटर को हमेशा देखते हो, हर रोज़ देखते हो। तो वो एक राजदीप के साथ बात हुई, ही वॉज विलिंग टू टेक दैट कॉल कि वो भी एक नई चैनल सेटअप करने में इंटरेस्टेड था। तो उस तरह से वो CNN IBN का सारा शुरू हुआ। और जब हमने CNN IBN शुरू करी वो भी काफ़ी सक्सेसफुल जल्दी हो गई। तो साथ ही में IBN 7 जागरण ग्रुप की चैनल थी, उनको आपने लिया, वो उनसे वो आई थिंक वो टेलीविजन में इतना नहीं फोकस कर पा रहे थे क्योंकि जागरण इज सच अ बिग न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए, तो उनके साथ पार्टनरशिप हुई, तो हिंदी में हम लोग आ गए। तो ये इन 1.5 साल के एक पीरियड में हम लोग 1 चैनल से 4 चैनल बन गए, बिजनेस से हिंदी बिजनेस, से इंग्लिश पॉलिटिक्स, से हिंदी पॉलिटिक्स। तो एक हमारा इकोसिस्टम बन गया। बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उसमें, जी इन्वेस्टमेंट हुआ, से भी मिला, लोगों ने भी बन, चुकी आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई थी CNBC की वजह से। एग्जैक्टली, तो चाहे कॉर्पोरेट से भी जो मिलना चाहिए वो उसमें शेयर, उसमें हमारे को प्राइवेट इक्विटी भी मिली, हमको रिटेल शेयर होल्डर का सपोर्ट भी मिला, हमको उसमें सपोर्ट मिला। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि 5 साल से लोगों ने देख लिया था कि अब एक क्रेडिबिलिटी बन गई थी। ये जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है बाद में, मतलब मैं थोड़ा सीधे उस, चूँकि हम लोग उस पर मीडिया जर्नलिज्म पर भी बात कर रहे हैं, कि किस तरह से जो एकदम थोड़ा सा जो चेंज आना करना पड़ा, TV 3 को पूरा टेक ओवर कॉर्पोरेट की तरफ से हुआ, ये भी एक पॉलिटिकल भी तो एक जिसका रीज़न है कि यदि अखबारों में भी हुआ है, जागरण का आपने नाम लिया, जागरण का भी एक अपनी एक आइडियोलॉजी कमिटमेंट उनका अपना रहता था, हिंदुस्तान टाइम्स का अपना था, उन पर भी प्रेशर होते थे। सो ये चूँकि ऐसा नहीं लगता कि जब कोई चैनल भी ज़्यादा वन साइडेड हो जाए, मतलब फ्रेंकली यदि उस समय एक ये धारणा बनी थी कि आम आदमी पार्टी के लिए ही ये चैनल बहुत कुछ कर रहा है, और उसका ही असर ये हुआ कि बहुत प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर कह सकते हैं या नंबर गेम में भी पीछे हुआ, तो ये तो आप मानेंगे कि चाहे पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, यदि आप कोई ऐसी तरफा जिसको एक्टिविज़म कहें, माने अरुण शौरी का जर्नलिज्म एक्टिविज़म का जर्नलिज्म है, श्यामलाल या गिरल जैन या जो इस्तेहाल सिंह वाला जर्नलिज्म है एक अलग तरह का जर्नलिज्म था, उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये प्रेशर जो लोग कहते हैं ना अखबार पे, क्यों ऐसा नहीं है, असर तो टेलीविज़न पर भी हुआ। नहीं बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। आप आई थिंक आई हैव टू बी कैंडिड अबाउट इट कि हम लोगों ने थोड़ा शायद उस वक्त इतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखी जो हमको रखनी चाहिए थी, और इंसान ही एक एक एक, एक, एक हर्ड मेंटालिटी शुरू हो जाती है, और हुआ, बिल्कुल हुआ। हम लोग भी थे उसमें शामिल और लोग भी उसमें शामिल थे, बट आई एग्री विद यू कि एक उसका बड़ा सबक ये है कि जर्नलिज्म में, न्यूज़ जर्नलिज्म में आपको ऑब्जेक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं रखते हैं और
किसी तरह से आप किसी इंटरेस्ट ग्रुप के साथ लोगों की धारणा में भी अगर आप अलाइन हो जाते हैं तो एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ता है, और जैसे आपने बोला उसके अलग प्रेशर भी आते हैं, इकोनॉमिक भी आता है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं आता है, क्योंकि ऑडियंस अगर आपसे कट जाती है या आपका एक इको चैम्बर बन जाता है कि एक ही तरह की ऑडियंस आपको देख रही है जो कि उनके सपोर्टर है, तो आपकी ऑडियंस वैसे ही कट जाती है, आपकी व्यूअरशिप कम होनी शुरू हो जाती है। या इवन जो एडवर्टाइजर्स हैं जो आपको फाइनेंशियली भी चाहे रीजनल लेवल पर भी हों, उनको लगता है भाई आप तो उन्हीं की आवाज़ बन रहे हैं तो वाई शुड बी। तो जो क्रेडिबिलिटी हमारे मीडिया में है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका चूंकि इतना वाइड एक्सपीरियंस है, आपने सब तरह की चीज़ें देखी हैं, हमारे यहाँ जो क्रेडिबिलिटी का सवाल चैनल बढ़ते गए, देखिए आप अमेरिका से आपने चाहे इंस्पायर करके किया कि शुरुआत की, इंडिया में एक तरह से बूम आ गया है, हमने 200 चैनल 400 500 चैनल है, और उसके साथ क्रेडिबिलिटी का खतरा जो हमारा बढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्रेडिबिलिटी रखने के लिए आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता था, चूंकि हम ये भी नहीं चाहते कि कोई कंट्रोल हो, भाई दो ही चैनल या पांच चैनल हो तो दूसरी वाली स्थिति आ जाएगी। सो हाउ यू थिंक, बिकॉज यू नो द बोथ साइड। जी नहीं, इट्स जो आपने अभी इशू उठाया, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर पीपल जिनको जो एडिटोरियल को एक आर्टिकल ऑफ फेथ मानते हैं। देखिए दो तीन चीज़ें इसमें हुई कि हमारी जो रेगुलेशंस थी वो बहुत ही ड्रेकोनियन सी हो गई, बहुत ही नेगेटिव हो गई, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ, यानी मैं जनरल पे नहीं छोड़ दूंगा मैं, कि हम लोगों ने एक दो रूल बना दिए कि अगर मैं चैनल ओनर हूँ तो, और मुझे जो केबल ऑपरेटर को है मस्ट प्रोवाइड क्लॉज है, तो मेरे को तो अपनी चैनल केबल ऑपरेटर को देनी देनी है, लेकिन केबल ऑपरेटर को मस्ट कैरी क्लॉज नहीं लगाया इन्होंने, तो ये नहीं कि वो ही हैज़ टू कैरी मी। तो हुआ क्या कि आपने हम लोगों की बार्गेनिंग पावर एकदम लॉपसाइडेड कर दी, तो केबल ऑपरेटर ने इतना ज़्यादा कैरेज फी लगाया। अगर इस दो रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बिल्कुल जैसे खड्डे में गिर गई, एक ये कि तो जो केबल ऑपरेटर ने जो कैरेज फी लगानी शुरू करी, और ओपन आपने एंट्री करी हुई है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ हमें एंट्री पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन ओपन है टोटल, कोई भी आ सकता है, तो जो आया जिसने पैसा कैरेज ज़्यादा दिया उसकी चैनल दिखने लग गई। अब आपने भी इन्वेस्ट करा हुआ है, 100 करोड़ 200 करोड़ लगाया हुआ है, अब आपको भी उस गेम में रहना ज़रूरी है, ऑडियंस के सामने देखिए जो दिखता है वो बिकता है, ऑडियंस के सामने तो आप आओगे ही, तो आपको भी कैरेज फी बढ़ानी पड़ी। तो 2008-09 में स्थिति ऐसी हो गई कि हम लोगों का जो रेवेन्यू था 40% हमारा रेवेन्यू 40% कैरेज फी में जाता था, तो देयर इज नो वे कि हम लोग वायबल रह सकते थे, कोई वायबिलिटी का सवाल ही नहीं था। इसके साथ एक और एक रेगुलेशन बन गई कि जो भी इसका ओनर है न्यूज़ चैनल का, उसको 51% खुद अकेले होल्ड करना है। अब आप दोनों तरफ से देखिए किस तरह से ये पिंसर अटैक हो रहा है कि यहाँ तो आपको पैसा लगाना है जस्ट टू स्टे इन द मार्केट, सिर्फ एक केबल ऑपरेटर के साथ कैरी करने के लिए आपको हर साल लगाना है, और दूसरी तरफ आपने कैपिटल को कंट्रोल कर दिया, मनी रेजिंग एबिलिटी को कंट्रोल कर दी, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने TV18 शुरू करा 50,000 रुपये के साथ, प्रणय रॉय ने वो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने भी कोई फैमिली वेल्थ इंडस्ट्रियल वेल्थ नहीं उनके पास, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन आपने एक कंडीशन लगा दी कि 51% आपको हमेशा होल्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 100 करोड़ रुपया मार्केट से लेता हूँ या किसी इन्वेस्टर से लेता हूँ तो 100 करोड़ मुझे खुद लाना है, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई, इम्पॉसिबल हो गई, और उसकी वजह से आप देखिए न्यूज़ चैनल्स की हालत जो है वो आज ऐसी बन गई है कि या तो यू बिलोंग टू अ बिग इंडस्ट्रियल ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जी है, रिलायंस है, अब इंडिविजुअल जो ओनर है वो तो अगर एक दो खड़े भी हैं तो ये बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में खड़े हुए हैं, कभी भी गिर सकते। तो ये दो रेगुलेशन जो हैं बहुत ही हम बहुत ज़्यादा 2008-09-10 के पीरियड में तंग किया, और 2008-09-10 के पीरियड में ही ग्लोबल क्राइसिस हो गया, मार्केट्स नीचे चली गई, एडवर्टाइजिंग एकदम गिर गई, तो ये एक माहौल बना जिसका मैंने आपको बताया उसकी वजह से। एक मैं यहाँ एक और इंटरेस्टिंग इशू में, फिर आपने चूँकि अखबारों के नाम लिए, मैं सब उन ऑर्गेनाइजेशन में काम भी मैंने किया है, ये होना कि पैसा ज़्यादा, एक समय में जिस बिरलास के पास पैसा था, गोइनका और मतलब जैंस के पास पैसा था, वो बड़े एम्पायर थी,
उनके अखबार बढ़े भी, एक समय में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी स्टेट्समैन के मुकाबले में, पैसा तब भी बिरलास के पास ज़्यादा ही था जी। तो पैसा ज़्यादा होने के बाद भी क्रेडिबिलिटी, मैं फिर उस पर आ रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी या वो चैनल की आप अपने नाम नहीं भी लेना चाहें तो आप देखिए कि वो चैनल की जो जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो आज 8वें 9वें नंबर पर है, या जो अखबार जिनका उनका भी मैं नाम नहीं दे हिंदी में लैंग्वेज में जो आए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हो सकता है वो 10 लाख 20 लाख करते हैं। इसमें एक मैं कैवियट करना चाहता हूँ, और अगेन ये कैवियट अखबार का और ऑडियो विजुअल मीडियम का थोड़ा है। देखिए अखबार जो है बड़ा एक इंटेंसिव इंगेजमेंट होती है, क्योंकि आप पढ़ते हैं, उसमें लैंग्वेज कई स्टोरी कॉम्प्लेक्स होती है, लैंग्वेज कई बार थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो एक इट्स अ वेरी इंटेंस इंगेजमेंट। अखबार का पढ़ना 100% डेडिकेशन के साथ आदमी पढ़ता है, 100% फोकस के साथ पढ़ता है, क्योंकि वो अदरवाइज वो असिमिलेट नहीं होता, उसको समझ नहीं आता। टेलीविज़न में थोड़ा तमाशा ही होती है, क्योंकि वो टेलीविज़न आप पार्ट एंटरटेनमेंट पार्ट न्यूज़ देखते हो, और वो ऑडियो विजुअल मीडियम का एक वो है, एक वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कह लीजिए, पेक्यूलियरिटी कह लीजिए, वो है। तो जो ऑडियो विजुअल मीडियम की जो ऑडियंस है वो हमेशा इतनी कमिटेड इंगेज्ड ऑडियंस नहीं होती, तमाशाही भी होते हैं, और तमाशाही होने की वजह से आप प्रोग्रामिंग भी थोड़ी तमाशाही वाली देखते हैं जो नॉन सीरियस होती है, जैसे आपने देखा है। हमने वो पहले से ही कह देते हैं ना कि आप थोड़ा तमाशा में आप भी शामिल होइए, मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन ये चैनल के जो हेड है या एडिटर्स है वो कह देंगे कि राघव जी आप आए तो थोड़ा सा जोक सुनाइएगा या मतलब कुछ ऐसा कहिएगा या लड़ाई करिएगा, तो वो वहाँ पे वो एलिमेंट है। इसलिए वहाँ पे वाइल्ड क्रेडिबिलिटी आपकी लो हो लेकिन ऑडियंस तब भी आपको हाई नंबर में आ जाती है, ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ आफ्टर हैविंग स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन टेलीविजन। नहीं अभी भी तुलना है, देखिए टेब्लॉइड न्यूज़पेपर जो सन और मिरर है लंदन का, अमेरिका में उतने नहीं है लेकिन फिर भी जो एक दो हिसाब से, हमारे यहाँ इंडिया में जो जर्नलिज्म है कुछ हद तक जो सीरियस पेपर्स या मीडियम थे उन्होंने भी उसको टेब्लॉइड कर लिया। इंस्टीट ऑफ जैसे आपने कहा आप सीन भी से अलग था, यदि किसी को टेब्लॉइड टाइप का एक न्यूज़पेपर निकालना वो अलग निकालता, बड़े हाउसेज ने भी नहीं निकाला। करेक्ट, मेल टुडे को छोड़ दें वो भी फिर उतना टेब्लॉइड नहीं है जो सन और मिरर से तुलना करें, बिल्कुल वो शुरू में चला बाद में नहीं चल रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारे टीवी में भी कुछ ऐसे नहीं हो सकता था कि जो ज़्यादा क्रेडिबल वाले हों वो ज़्यादा चलें, लेकिन वहाँ फिर पैसा आता है, उनके पास पैसा शायद नहीं आ पाया। और दो तरफ से वो, एक तो आपने पिंसर डाल दिया, तो पैसा आपने रेवेन्यू हमारा 40% ले लिया एक बहुत ही गलत रेगुलेशन करके, जिससे कि हमारी बार्गेनिंग पावर केबल ऑपरेटर के साथ जीरो कर दी। दूसरी तरफ हमको मार्केट से पैसा लेने को और आपने तंगी कर दी। तीसरा ये मीडियम ऐसा है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो लेकिन आपकी ऑडियंस ज़्यादा हो सकती है, तो अगर आप इन्फ्लुएंस को चेक करें तो आपको कई बार कई जगह आप देखेंगे कि लोअर ऑडियंस वाली चैनल का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। नहीं देखिए भूत प्रेत सांप बिच्छू मतलब ये सब जो दिखाने लगे जो कभी मैंने मीडिया के हिसाब से नहीं है, मीडिया ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कहीं, जो शायद यहाँ पर है। बिल्कुल, तो आपको इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए इसमें थोड़ा रेगुलेशन, जो रेगुलेशन नेगेटिव थी न्यूज़ चैनल्स के लिए अब उसको थोड़ा एफर्मेटिव होना पड़ेगा। अगर एक न्यूज़ चैनल को अगर आज भी आप कैरेज में मार रहे हो, और अभी भी मार पड़ रही है, जब डिजिटाइज भी हुआ था उस वक़्त क्लियरली एक चेयरमैन ने आके बोला था, रिकॉर्ड पे बोला था कि मैं न्यूज़ चैनल का कैरेज 1 रुपये पर मंथ पर कंज्यूमर करने वाला हूँ, लेकिन वो करा नहीं गया, कभी हुआ नहीं वो। तो अगर आपको अब एफर्मेटिव आपको करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिबल चैनल को उसकी सस्टेनेंस को आप हेल्प करना चाहते हो, और आपको कंज्यूमर रेवेन्यू का भी मैंडेट देना पड़ेगा कि केबल चैनल्स का ये बंडल जो है ये इतने पे प्राइस होगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एफर्मेटिव एक्शन आपको करना पड़ेगा अगर आपको क्रेडिबल कंटेंट को सपोर्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए कीजिए, लेकिन आपने 10 साल एक इंडस्ट्री को मारा है, आप शायद 10 साल की उसको सपोर्ट दे दीजिए, उसके बाद आप सपोर्ट हटा दीजिए। तब जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक वो, अगर वो प्योर ऑडियंस नंबर लेड वाली गेम होने वाली है तो ये तमाशा ही रहेगा। TV18 जो आपने खड़ा किया और एक पूरा कॉरपोरेट वहाँ पर आ गया, सो आपको नहीं लगता कि एक चीज़ खड़ी कर, जैसे होता है अपने एक बिल्डिंग बना करके आप किसी को जब बेच दें या उसको दे दें तो उसका एक अलग शौक हो के फिर एक नए सिरे से फिर एक नई बिल्डिंग खड़ी करना,
देखिए, अब विशेष पे तो जिंदगी चलती नहीं है, जिंदगी की रियलिटीज अलग होती है। राघव बहल के व्यक्तित्व में एक पत्रकार के साथ एक बिजनेसमैन भी देखने को मिलता है। जब टीवी 18 नई कंपनी थी और उसे बीबीसी और स्टार टीवी जैसे चैनलों के लिए कार्यक्रम बनाने थे, तो राघव ने जाने माने पत्रकार और कई बेहतरीन टेक्नीशियंस को अच्छा वेतन देकर अपॉइंट किया। यही नहीं, उन्होंने कई नई प्रतिभाओं को भी बढ़ावा दिया और आज वो इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। हाँ, ऐसा कई बार हुआ कि आर्थिक कारणों के चलते कर्मचारियों को निकाला भी गया, लेकिन एक बात जो राघव के साथ काम करने वाला हर कर्मचारी मानता है कि उसे उनकी कंपनी में काम करके जितना आनंद और अपनापन मिला, वो किसी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिला। जैसे आप कहते हैं कि घर पे पेरेंट्स आपके रॉक्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, ऑफिस में राघव वाज दैट rock and the anchor. He was always generous with praise, good-humored, but also uncompromising in the standards he set and expected you to meet. Happiest thing for me at Network 18 was that I spent 9 years there, but it seems like it just went by so quickly. I don't think I've smiled and laughed as much as I have in those 9 years at Network 18. कंपनी से कर्मचारियों का ये लगाव ही था कि जब 1999 में टीवी 18 के कालकाजी स्थित ऑफिस में आग लगी, तो कर्मचारियों ने मुश्किल हालात में भी कंपनी की लाइब्रेरी और कई उपकरण बचा लिए। When we had the fire in the basement and the team spirit that the entire team showed, almost risking our lives to get our tapes out because that's all that we had to show for ourselves. एक बिजनेसमैन के तौर पर भी राघव सीएनबीसी टीवी 18 के कार्यक्रमों में आए और अपने ही एंकरों के मुश्किल सवालों का सामना किया। Where you reported a positive EBITDA, but there is still a net loss. When do you start reporting a net profit? राघव ने मीडिया में एक अलग कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत की, जिसमें कर्मचारी को अपने अधिकारियों, यहां तक कि राघव के सामने बिना झिझक अपनी बात रखने और असहमत होने का पूरा अधिकार था। कभी कभी तो न्यूज रूम से ठहाकों का शो भी सुनने को मिल जाता था, जिसके लिए राघव की तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई। यही कारण है कि आज भी उनके सहयोगी उनके कायल हैं। He is a very chilled out boss. You just plug something to him and he's like, go for it. As Hindu as a millennial. He mingles with us 20-year-olds just like that. So young, cool, he's funny. He's experimenting with new ways of. उनको देख के एनर्जी आ जाती है मुझमें. It's great to work with him. Raghav is the man who gave me my first job in June 1992 and 24 years later I'm still working with him. That I think would tell you exactly what I think of him as a boss, as a friend, as a very very valued colleague for almost 25 years. आप जैसे इस टीवी के साथ आपने क्विंट उस पर आप आए हैं और डिजिटल में आपको लगा है कि और सचमुच में एक नई जनरेशन बड़े पैमाने पर आ रही है इंडिया में, लेकिन ये भी एक नया चैलेंज है। जैसे आपने उस समय शुरू किया था लगभग वैसी स्थिति, जो कि अभी भी भारत में लोग उसके जरिए उन्हें हो सकती जो नई जनरेशन है वो मोबाइल पर देखेगी जी। लेकिन उसके साथ डिटेल में जब जाना होता है तो फिर चाहे वो अमेरिका में भी वो जाते हैं, प्रिंट पर जाते हैं या टीवी पर जाते हैं। सो आपको लगा कि डिजिटल और चूँकि आपने एक समय में अपना जब सीएनबीसी के साथ थी सोचा भी था कि अखबार भी निकालें, वो नहीं निकाला, तो कैसे इसका कॉम्बिनेशन करेंगे डिजिटल टीवी प्रिंट, फ्यूचर के हिसाब से आप क्या देखते हैं अपने खुद के लिए या इंडिया के भविष्य के हिसाब से? नहीं, ये बहुत इस वक्त एवोल्यूशन जो है अभी फेज बिल्कुल मेल्टिंग पॉट में है। अभी कोई ऐसा कहना कि मैं कि ये एंड पॉइंट है, ये बिल्कुल गलत। ये मेरे हिसाब से मेल्टिंग पॉट की शुरुआत है, ये काफ़ी मेल्टिंग पॉट में रहेगा ये। लेकिन जो पिछले 2 साल जो मैंने डिजिटल में पूरे पूरा फोकस और तवज्जो के साथ जो सीखा हूँ मैं, जो 2-3 चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर हो रही हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉट अभी भी है, कि ये जो यंग ऑडियंसेस हैं ये ज़्यादातर कंज्यूम करेंगे कंटेंट छोटे स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह मोबाइल स्क्रीन पे आएगा, बैंडविड्थ जब बेटर होती है तो वीडियो भी ये छोटी स्क्रीन पे ही देखेंगे। लेकिन ये कहना कि ये
लेगेसी मीडियम ज़ीरो हो जाएगा ये मैं नहीं मानता हूँ। इसीलिए आप शायद साथ में टीवी पर भी आ रहे हैं। जी ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि देखिए रिटन वर्ड जो है, रिटन वर्ड का रेसरेक्शन हुआ है डिजिटल में। रिटन वर्ड से एकदम पेंडुलम स्विंग हो गया था टेलीविजन की तरफ, क्योंकि पेपर लोग इतना नहीं पढ़ रहे थे, खासकर अंग्रेजी लैंग्वेज। लेकिन डिजिटल से रिटन वर्ड का रेसरेक्शन हुआ है, रीडिंग बहुत हो रही है डिजिटल में, और हम अपने क्विंट में भी ट्रेंड्स देख रहे हैं कि आर्टिकल पढ़े जाते हैं, उसके साथ वीडियो जुड़ गया है। तो ये एक बहुत ही ये टेलीविज़न और प्रिंट का एक बहुत वो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है जो अभी इवॉल्व हो रहा है। लेकिन लेगेसी ऑडियंसेस जो हैं वो मेरे हिसाब से लेगेसी प्रोडक्ट के साथ रहेंगी, अगर वो लेगेसी प्रोडक्ट अपने आप को डिजिटल के लिए ट्रांसफॉर्म कर लेगा, वो ज़रूरी है। अब वो कौन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, मेरे हिसाब से गेम उधर है इस वक्त। अब हम वापस टेलीविज़न में ब्लूमबर्ग क्विंट के थ्रू आए हैं, और ब्लूमबर्ग एक लेगेसी ब्रांड है, और वो मेरे उससे इस सोच से पूरा मेल बैठते हैं कि जो लेगेसी ऑडियंस है, ब्लूमबर्ग ने एक ऑडियंस 20 साल ओवर 20 ईयर्स उन्होंने एक बिजनेस की ऑडियंस बनाई है अपनी, अगर उस ऑडियंस को हम लोग एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस दे सकते हैं तो वो ऑडियंस कहीं जाएगी नहीं। अगर हम डिजिटल एक्सपीरियंस उसको नहीं देते हैं और कहते हैं कि नहीं हाँ हम तो प्रिंट वाले लोग हैं और हम तो जो जिस तरह से 20 साल पहले काम करते थे वैसे ही अब करेंगे, तो फिर वो ऑडियंस कट के नए प्रोडक्ट्स के पास जाना शुरू करेगी। तो ये एक चैलेंज अगले 4 से 5-6 साल में ये बैटल होने वाली है। आप अमेरिका में भी देखिए, बैटल अमेरिका में 7 साल पहले शुरू हुई, इंडिया में तो अभी 2 साल पहले शुरू हुई है। जैसे बज़फीड हो या वॉक्स हो, धीरे धीरे ये सारे नेटवर्क्स मेन स्ट्रीम मीडिया में असिमिलेट हो रहे हैं, और सब देख रहे हैं कि वीडियो और प्रिंट दोनों बहुत ज़रूरी हैं और ओरिजिनल स्टोरी बहुत ज़रूरी है। ये क्यूरेटेड वाला जो मामला है ये थोड़ी देर के लिए चला, ये अब ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडियंस जो है वो उसी कंटेंट के पास जाती जो पहली बार ओरिजिनल होता है, और टुडे आप आज उसको उसी आर्टिकल में वीडियो के साथ एम्बेलिश कर सकते हो। तो ये जो नया क्राफ्ट जो सीख पाएगा, या वो नया प्लेयर होगा या वो लेगेसी वाला होगा, और मेरे हिसाब से जो मेरी जजमेंट है वो लेगेसी वाला ज़्यादा आसानी से कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक सिटिंग ऑडियंस है। लेकिन एक आपको अब थोड़ा सा तो हुआ होगा, TV18 जो आपने खड़ा किया और एक पूरा कॉरपोरेट वहाँ पर आ गया, सो आपको नहीं लगता कि चीज़ खड़ी कर, जैसे होता है अपने एक बिल्डिंग बना करके आप किसी को जब बेच दें या उसको दे दें तो उसका एक अलग शौक हो के फिर एक नए सिरे से फिर एक नई बिल्डिंग खड़ी करना? देखिए अब विशेष पे तो ज़िंदगी चलती नहीं है, ज़िंदगी की रियलिटीज़ अलग होती हैं। कुछ हालात ऐसे बने, मैंने आपको बताया रेगुलेशंस ऐसी थी, 2008-11 की ग्लोबल क्राइसिस ऐसा था, कुछ हम लोगों का डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि और कोई चारा नहीं था। तो अब वो जो ख़त्म हुई बात, रात गई बात गई, और जो नया शुरू करना है तो नया मैंने वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, फ्यूचर जो है वो आपके लिए या भारत का मीडिया जो है उसका फ्यूचर है। बिल्कुल उसको ध्यान रखें, क्रेडिबिलिटी बनाएं, कंटेंट हो बिल्कुल, और डिजिटल की एक डिजिटल का लैंग्वेज और ग्रामर सीखिए, और ये 2-3 चीज़ें करेंगे तो बहुत फ्यूचर है। और बाकी देखिए यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू डू समथिंग न्यू, आदमी यंग रहता है। चलिए बहुत अच्छा लगा राघवल जी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राघव बहल एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी की ऊंचाइयों से दुनिया को देखा, वही इंसान गर्दिश का सितारा भी बना, लेकिन हारा नहीं। गलतियां ही जिसका सबसे बड़ा सबक हो उसे भला कौन हरा सकता है। हालांकि इस मुश्किल दौर में उनकी ईश्वर की आस्था ने उन्हें काफी सहारा दिया। राघव नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। उन्हें फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का किरदार भी काफी प्रेरणा देता है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जिंदगी कैसी है पहेली, बस इस पहेली को समझने में ही तो जिंदगी का मजा है। कभी ये रुलाई।
ऊपर से तो राघव बड़े ही शांत और आत्मसात लिखते हैं, लेकिन जब उसूलों की बात आती है तो थोड़ा मेलोड्रामेटिक होना चलता है। जैसे वो काला पत्थर फिल्म में अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग को काफी सीरियसली लेते हैं। राघव बहल की जिंदगी में हर कदम उनके साथ रही उनकी पत्नी ऋतु कपूर उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। हाँ, उन्हें अपनी बेटी तारा और बेटे विदुर के साथ छुट्टियां बिताना काफी पसंद है। वैसे देखा जाए तो राघव अब नाना भी बन चुके हैं। उनकी भांजी अवंतिका मलिक खान और उनके अभिनेता पति इमरान खान की बेटी इमारा मलिक खान के जाते जाते इमरान की ही फिल्म का गाना सिर्फ राघव के लिए। कभी कभी अदली जिंदगी नहीं हुई।